सो फाइनली ओप्पो 5 मई को अपना ओप्पो F23 5G को लॉन्च करने जा रहा है। तो इस नए ओप्पो स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ मिलने वाला दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो पे। पर दोस्तों इसका प्राइस अभी हमें पता चल रहा है कि अराउंड 26,000 तक होगा। तो क्या दोस्तों ये स्मार्टफोन उतने प्राइस तक का बेस्ट स्मार्टफोन है, और क्या आपको इसके लिए वेट करना चाहिए, या फिर इस प्राइस रेंज तक कोई और भी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, और अगर है भी तो क्या है? तो दोस्तों वो सारी चीज आपको मैं आज के इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं इस फोन में क्या कुछ हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस फोन का डिस्प्ले। तो इस फोन का जो डिस्प्ले है वो है 6.72 इंच का AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। एंड डिस्प्ले में ही आपको पंच होल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसका डिस्प्ले दोस्तों पंच होल डिस्प्ले है। डिस्प्ले क्वालिटी के अगर साथ ये देखो तो दोस्तों काफी प्यारा लगता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस, प्रोसेसर कौन सा हमें इस फोन में मिलने वाला। तो भाई जितना इसका प्राइस है भाई उस हिसाब से इसका प्रोसेसर बेस्ट नहीं है। इस फोन में दोस्तों हमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो है Qualcomm Snapdragon 695। ये प्रोसेसर दोस्तों उतना बेस्ट नहीं है, ये प्रोसेसर आपको अंडर 20,000 का भी फोन में देखने को मिल जाएगा। इतना प्राइस रखा तो भाई परफॉर्मेंस में थोड़ा सा तो और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था मेरे हिसाब से। वेल जो है सो है। तो बात करते दोस्तों इस फोन का कैमरा का, तो भाई बैक साइड में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो की फर्स्ट मैन कैमरा दोस्तों 64 मेगापिक्सल का, एंड अदर जो कैमरा दोस्तों वो है 2 मेगापिक्सल का। आप इसमें अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स खींच सकते हो, कैमरा दोस्तों बेस्ट है। बट दोस्तों अगर मैं कहूँ तो आप इस प्राइस रेंज तक एक अच्छा स्मार्टफोन ले सकते हो दोस्तों। कैमरा भी इससे बेस्ट होगा और प्रोसेसर भी इससे बेस्ट होगा, और वो कौन सा ऑप्शन है आपके पास वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल इसके फ्रंट कैमरा देखे तो दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा में हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो की भाई आप इससे अच्छी अच्छी सेल्फीज ले सकते हो। उसी के साथ दोस्तों बात करें इस फोन का बैटरी की, तो भाई इस फोन में हमें बैटरी मिलेगा 5000 mAh का बैटरी भाई विद 67 वाट फास्ट चार्जर के साथ। भाई बैटरी इसका बेस्ट है, और भाई ये काफी ज्यादा जल्दी फास्ट चार्ज भी होता है। एंड सी टाइप इसमें चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में, और इस फोन में दोस्तों 2 सिम कार्ड स्लॉट है, आप इसमें 2 सिम कार्ड लगा सकते हो। तो दोस्तों अब इस वीडियो का मेन बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या हमें इस फोन को लेना चाहिए, क्योंकि ये फोन अभी दोस्तों 5 मई को लॉन्च होगा। तो क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए, या फिर अदर कोई बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास? तो भाई मैं तो कहूंगा इससे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप दोस्तों पोको A5 ले सकते हो। भाई ये जो पोको A5 स्मार्टफोन है दोस्तों वो लाखों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस में टक्कर दे रहा है भाई, क्योंकि इसमें बेस्ट चिपसेट है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके पास पोको A5 बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों इसके अलावा, क्योंकि भाई इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला दोस्तों वो प्रोसेसर तो हमें भाई अंडर 20,000 वाला भी स्मार्टफोन दे देता है, और कैमरा में भी आपको कई सारे ऐसे स्मार्टफोन मिल जाएंगे जो भाई इसके कैमरा के बराबर है। तो भाई इतने पैसे क्यों लगाए, और अगर इतने ही पैसे लगाना है तो भाई पोको A5 क्यों ना ले। वेल जो सच्चाई थी दोस्तों वो मैंने आपको बताया। एंड दोस्तों कई लोग जो होंगे भाई ओप्पो के फैन होंगे, तो भाई मार्केट में नया स्मार्टफोन ओप्पो का आया तो भाई उसे लेंगे ही। तो क्या भाई आप ओप्पो लवर्स हो भाई, वो मुझे कमेंट में बता देना। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा, होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। भाई पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग हेल्पफुल कंटेंट लाते रहते। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते फिर किसी अंदर वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद जय भारत।